ये बात पूरी दुनिया को पता है कि चंद्रमा पर जब से चंद्रयान 3 गए हैं तब से पूरी दुनिया इस बात की अटकलें लगा रहा है कि भारत कहीं ना कहीं एक बड़ा खोज करने वाला है। लेकिन दक्षिणी ध्रुव पर जब से चंद्रयान 3 उतरा है उसके बाद प्रज्ञान रोवर जो तमाम जानकारियां इकट्ठा कर रहा है वो भारत के लिए बड़ी उपलब्धि है। लेकिन इस उपलब्धि के दौरान जो चीजें सामने आई है उसने पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया है। चलिए मैं आज आपको दिखाता हूं कि इस पूरे मामले में वो कौन सी चीजें सामने आई है जिसके बाद से के पसीने छुटे हुए हैं। दोस्तों, प्रज्ञान रोवर काम करना बंद कर चुका था, यह पूरी दुनिया को पता है। लेकिन काम करना जब से बंद किया है उसके बाद से जो वैज्ञानिकों को चंद्रमा पर दिखा है उसने सबको चौंकाया है। दोस्तों, वहां से असली तस्वीर सामने आई है। इंटरनेट पर वायरल खबर में जो दावा किया जा रहा है, जो तस्वीरें आई है, जो 3 सेकंड का वीडियो आया है, वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में दिखाने और बताने जा रहा हूं। दोस्तों, चंद्रयान 3 के वहां पहुंचने के बाद जो चीजें वहां से मिली, जो तस्वीरें मिली, वो पूरी दुनिया ने देखा। लेकिन अब जो नई तस्वीर आई है उसने आपको भी हैरान करने को मजबूर कर दिया होगा। चलिए फटाफट देख लीजिए कि आखिर चंद्रमा पर उस अंधेरे में वो कौन सी चीजें देखी गई है जिसने पूरी तरीके से पूरी दुनिया में खलबली मचा दी है। दोस्तों, चंद्रयान 3 वहां पहुंचा, प्रज्ञान रोवर ने काम किया और उसके बाद बताया गया कि प्रज्ञान रोवर काम करना बंद कर चुके हैं क्योंकि जहां पर वो मौजूद है, जहां पर प्रज्ञान रोवर मौजूद है, वहां पर अंधेरा छा गया है। जब तक उजाला नहीं होगा वो काम नहीं करेगा, वो चार्ज नहीं होगा। यह बात आपको समझ में आ गया। लेकिन इसके बाद आप देखिए कि जो खबरें वायरल चल रही है, वायरल खबर में इस बात का दावा किया जा रहा है कि चंद्रमा पर प्रज्ञान रोवर उस अंधेरे में भी काम करने लगा है। जी हां, आखिर किस वजह से काम कर रहा है, चंद्रयान को किस तरीके से चलाया जा रहा है, प्रज्ञान रोवर को कौन कंट्रोल कर रहा है, इसके बाद से ये सवाल से सबको पूरी तरीके से अब शक होने लगा है कि क्या चंद्रमा पर कोई और जीव है जो प्रज्ञान रोवर को पूरी तरीके से हाईजेक कर चुका है। क्या प्रज्ञान रोवर के जरिए अब पृथ्वी तक जानकारी नहीं पहुंचेगी? क्या प्रज्ञान रोवर पर हमला कर दिया गया है? क्या प्रज्ञान रोवर के जरिए जो जानकारी हासिल हो रही थी उस जानकारी को वहां के जो जीव है बताए तो यहां तक जा रहा है कि वहां एलियन का कब्जा है और एलियन उस प्रज्ञान रोवर को पूरी तरीके से कंट्रोल कर चुके हैं। क्या कंट्रोल करने के बाद वैज्ञानिक अब पूरी तरीके से परेशान हो जाएंगे? क्या वैज्ञानिक का कंट्रोल प्रज्ञान रोवर और चंद्रयान 3 पर से टूट जाएगा? ये डर सबको सता रहा है। दोस्तों, चंद्रयान 3 जिस तरीके से वहां पर गया, प्रज्ञान रोवर दक्षिणी ध्रुव पर से तमाम वो जानकारियां पृथ्वी तक भेज रहा था, वो वाकई में काबिले तारीफ थी और भारतीय वैज्ञानिकों के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। लेकिन बीच में ये खबर आ जाना कि प्रज्ञान रोवर पर कब्जा हो चुका है, कोई जीव है वहां पर जिसने उसे पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया है, ये वाकई में डरावनी और चिंताजनक खबर है। लेकिन इस खबर की पड़ताल करना बेहद जरूरी है क्योंकि इसरो की तरफ से कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट अब तक नहीं आया है। दोस्तों, जब तक उनका स्टेटमेंट नहीं आ जाता हम इस खबर की पुष्टि बिल्कुल भी नहीं करते हैं। क्या वाकई में चंद्रमा पर एलियन का हमला हुआ है? इन तमाम जानकारियों से आपको रूबरू कराऊंगा और असली वीडियो दिखाऊंगा कि किस तरीके से इस पूरे मामले में चंद्रमा पर से एक नया वीडियो सामने आया है जिसके बारे में जिक्र किया जा रहा है कि इस वीडियो में साफ तौर से दिखाई दे रहा है कि प्रज्ञान रोवर पर एलियन ने हमला किया है जिसके बाद से प्रज्ञान रोवर पूरी तरीके से नष्ट हो गया है। इस खबर की पूरी सच्चाई मैं आपको दिखाने और बताने जा रहा हूं। दोस्तों, प्रज्ञान रोवर लगातार चंद्रमा पर से तमाम वो जानकारियां भेज रहा था जो भारत के गर्व की बात था और भारत के लिए एक बड़ी खोज मानी जा रही थी। तो इस बीच प्रज्ञान रोवर से संपर्क टूटना वाकई में अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा करता है। एलियन का वहां पर मौजूद होना यह भी संदेह पैदा करता है। क्या एलियन ने ही उस पर हमला किया है? तमाम वीडियो में आपको दिखाने जा रहा हूं। इस वीडियो के जरिए आज पूरी तरीके से साबित हो जाएगा कि चंद्रमा पर आखिर क्या हो रहा है, प्रज्ञान रोवर के साथ क्या हुआ, चंद्रयान 3 के साथ क्या हुआ। दोस्तों, यह बात आपको पता है कि चंद्रमा पर 14 दिन तक सूर्योदय हुआ रहता है और उसके बाद 14 दिन रात हैं और बताया जा रहा है कि 14 दिन रात होने की वजह से ही प्रज्ञान रोवर पूरी तरीके से सुप्तावस्था में चला गया है, वो चार्ज नहीं हो रहा है जिसके बाद से उससे संपर्क टूट गया है। लेकिन इस बीच ये खबर वायरल होना कि वाकई में प्रज्ञान रोवर के साथ एलियन ने बड़ा ही घटना किया है, उन पर हमला किया है, इस खबर की पुष्टि हमारा चैनल बिल्कुल नहीं करता है। लेकिन जो संपर्क टूटा है, जो जानकारी सामने आ रही है, वो जानकारी इस तरफ इशारा करता है कि वाकई में चंद्रमा पर कुछ ना कुछ हुआ है या फिर जो वहां अंधेरा हुआ है
है अंधेरा की वजह से ही तमाम जानकारियां पृथ्वी पर ठीक से नहीं पहुंच पा रही है। चंद्रमा पर वो कौन सा जीव मिल गया है जिसने सबको हैरान कर दिया है, चलिए मैं आपको वो वीडियो दिखाता हूँ, वो तस्वीरें दिखाता हूँ जिसके बारे में इस बात का दावा किया जा रहा है कि ये चंद्रमा की तस्वीर है, ये चंद्रमा का वीडियो है, जहां पर खौफनाक तरीके से किस तरीके से एक जीव रह रहा है, उनका एक मोहल्ला है और उस मोहल्ले की पूरी तस्वीर प्रज्ञान रोवर ने उतार ली है और पृथ्वी तक भेज दी है, जिसके बाद से वैज्ञानिक जगत में पूरी तरीके से हड़कंप मच चुका है और पूरी दुनिया इस इंतजार में है कि उस जीव के बारे में पता लगाया जाए, क्या वो एलियन है या फिर कुछ और है। तमाम जानकारियां मैं आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूं और एक बड़ा खुलासा करने जा रहा हूं, अगर आपका दिल कमजोर है तो इस वीडियो को नहीं देखिएगा। दोस्तों ये बात पूरी दुनिया जानती है कि इस धरती पर कभी ना कभी एलियन आया था, कभी ना कभी एलियन आएगा, लेकिन इस बात का किसी को भी पता नहीं है कि एलियन कहां से आता है, वो कौन सी जानकारियां पृथ्वी से लेकर जाता है, क्या एलियन भारत पर या फिर पूरी धरती पर हमला कर सकता है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन अब सवाल और बड़ा इसलिए बन गया है क्योंकि चंद्रमा पर जीव होने का जो दावा है उसने सबको हैरान किया है और बताया जा रहा है कि ये जीव कोई और नहीं बल्कि एलियन है, एलियन की वहां पर बस्ती है और एलियन भी वहां पर रिसर्च कर रहे हैं। क्या एलियन का कोई ग्रह है जहां से लगातार वो चंद्रमा पृथ्वी या फिर अन्य ग्रह पर जाता है, वहां पर खोज करता है, क्या एलियन हम लोगों से ज्यादा मजबूत है, उनके पास बड़ी टेक्नोलॉजी है, वो अपनी टेक्नोलॉजी के जरिए पृथ्वी पर भी हमला कर सकता है, क्या वो पृथ्वी पर आकर बस सकता है। दोस्तों ये बात आप मत भूलिए, ये धरती है और धरती पर हम लोग रहते हैं और धरती के बारे में ही तमाम जानकारियां हम लोग को पता है, लेकिन इस ब्रह्मांड में करोड़ों ऐसे ग्रह हैं जहां पर हो सकता है कि जीव हो और वो जीव एलियन के रूप में हो, उनके पास हमसे बड़ी टेक्नोलॉजी हो, जिस टेक्नोलॉजी के जरिए वो पृथ्वी पर आता हो, यहां से सारी जानकारियां लेकर जाता हो और आने वाले समय में वो एलियन पृथ्वी पर हमला भी कर सकता है, जो अब तक का सबसे बड़ा डर बन चुका है। मैं आपको उस चीज के बारे में बताने जा रहा हूं जो आज पूरी तरीके से चंद्रमा के उस अंधेरे वाले साइड का राज खोलेगा और आपके सामने वो सच्चाई रखेगा जो अब तक किसी को पता नहीं था। दोस्तों एलियन के बारे में पूरी दुनिया चर्चा करती है कि एलियन पृथ्वी पर भी आ चुका है और यहां से कई सारी जानकारियां लेकर जा चुका है। दूसरी तरफ वैज्ञानिक ये भी अंदेशा लगाते हैं कि एलियन पृथ्वी पर आएगा और वो पृथ्वी पर हमला करेगा, फिर यहां पर राज करेगा। अब अपने आप में बड़ा सवाल ये है कि क्या दुनिया में कोई ऐसा ग्रह है जहां पर एलियन की बस्ती है, जहां एलियन रहता है और वहां से वो चोरी चुपके पृथ्वी पर भी आता है और पृथ्वी के तमाम टेक्नोलॉजी को जानकर वो इस हिसाब से खुद को ढालने की कोशिश कर रहा है कि पृथ्वी पर हमला किया जा सके। लेकिन ये क्या अब नई चीजें ये आ रही है कि चंद्रमा पर भी एलियन की बस्ती पाए गए हैं। जी हां, खबर में इस बात का दावा किया जा रहा है कि चंद्रमा पर एलियन की बस्ती है और उस बस्ती में एलियन के पास तमाम वो टेक्नोलॉजी है जिसके जरिए चंद्रयान 3 पर वो लोग हमला कर सकते हैं और हमारा मिशन कामयाब नहीं हो सकता है। लेकिन वैज्ञानिक लगातार इसी कोशिश में है कि वो एलियन से खुद को बचाकर चंद्रमा की तमाम जानकारियों को पृथ्वी तक पहुंचाए। अब ये सवाल है कि क्या ये एलियन है या फिर वहां वाकई में चंद्रमा पर जीव है, ये अपने आप में रिसर्च का विषय है और बताया जा रहा है कि चंद्रयान 3 इन तमाम चीजों की जानकारी जल्द ही पृथ्वी तक भेजेगा। दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, आगे के अपडेट के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।